बच्चों, आज हम लोग अंक की मात्रा पढ़ेंगे। अंक को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये है अंग, इसे हम लोग अंग कहते हैं। और अंग की मात्रा को हम लोग बिंदु के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो वर्ण है उसके ऊपर, इसके छत के ऊपर हम लोग बिंदु लगाया है, तो ये हो गया अंग की मात्रा। ऐसे ही हम लोग जिस भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगाते हैं वो अंग की मात्रा होता है। अंग की मात्रा का उच्चारण नाक से और मुंह से किया जाता है। अंग अंग, इसलिए हम इसे अनुस्वार की मात्रा भी बोलते हैं। बच्चों, आज हम लोग अंग की मात्रा से एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के द्वारा आप लोग अंग की मात्रा को अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, पहले देखिए यहाँ पे किस चित्र चीज का चित्र है। बच्चों, ये है शंख। ध्वनि को अच्छे से सुनेंगे और उच्चारण करेंगे। शंख, पंखा, पंखा, झंडा, कंगन। बच्चों, हम लोग यहाँ पे शंख को कैसे लिखेंगे? शंख को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तलाबिश, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? खा। तो शंख, अंग का उच्चारण तलाबिश में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इस बिंदु को श के ऊपर लगाएंगे तो बन जाएगा शंख, शंख। उसके बाद हम लोग अगले चित्र पे आएंगे। यहाँ मैंने लिखा है पंखा, तो पंखा का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो बिंदु यानी कि अनुस्वार किस मात्रा से आता है? प से। उसका उच्चारण, अंग की मात्रा का उच्चारण प से आता है, इसीलिए इसके ऊपर लिखेंगे, बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पंखा। अगला चित्र है झंडा। झंडा में हम लोग झंडा को कैसे लिखते हैं? झ में आ की मात्रा डा, तो अंग की मात्रा का उच्चारण झ से हुआ है, झंडा, इसलिए हम लोग अंग की मात्रा को बिंदु को कहाँ लगाएंगे? झ में लगाएंगे तो बन जाएगा झंडा। अगला चित्र है कंगन। कंगन हम लोग पहले उच्चारण कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा है क ग न, तो कंगन में अंग की मात्रा का उच्चारण कंग, क के ऊपर आ रहा है कंग, इसलिए हम लोग बिंदु को क के ऊपर लगाएंगे तो बन जाएगा कंगन। बच्चों, ऐसे ही आप लोग को अंग की मात्रा को उच्चारण करके और कहाँ पे बैठाना है इसका पता करना होगा। आप लोग इस एक्टिविटी को घर पे भी दोहरा सकते हैं।